नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे थे भारत के भूगोल से जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो आइए देख लेते हैं कि आगे किस प्रकार के और प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि नगरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि नगरीकरण एक अनुपात अवधारणा है। दूसरा है, यह अंतर प्रवास कारणों से होती है। तीसरा है, यह निर्वासन कारणों का प्रतिफल है। चौथा है, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नगरीकरण कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, कूट दिए हुए हैं, 1, 2 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, या सभी सही है। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका ये सभी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है, डीप इकोलॉजी का। ऑप्शन दिए हैं, ईपी ओडम, सी रॉन कियर, एफ ई क्लीमेंट्स और अर्नीस नेस। तो आप बताइए डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वो क्या था, अर्नीस नेस ने। अगला प्रश्न है कि जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन दिए हैं, जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है। दूसरा है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो कहा गया कौन सा कथन जैव ईंधन के संबंध में सत्य नहीं है, तो आप बताइए कौन सा सत्य नहीं है। आपका है कि जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। अगला जो प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए, 24 जुलाई को, 29 जुलाई को, 20 जुलाई को या 25 जुलाई को। तो आपका सही उत्तर है कौन सा, 29 जुलाई को। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन दिए, पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित समय इकाई के समस्त जीव तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र है। तो यह एक बंद तंत्र है, ये आपका गलत है पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ शहर या नगर दिए हुए हैं तथा वो शहर या नगर किस देश में स्थित है वो आपको बताना है। तो दावोस कहाँ पर स्थित है आपको मालूम होगा, कहाँ पे है वो है स्विट्जरलैंड में। ऐसे ही बार्सिलोना कहाँ पे है वो आपका है स्पेन में, और ऑकलैंड आपका कहाँ पे है वो आपका न्यूजीलैंड में, और कैंडी आपका जो है श्रीलंका में है, आप इसको मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं, नगोया, टोक्यो, सैंडर्स या ओसाका। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है ओसाका। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक सूची में विश्व के द्वीप दिए हुए तथा दूसरी सूची में उन द्वीपों पर किन देशों का अधिकार है, स्वामित्व है, वो दिए हुए हैं। तो आपको दिए हुए हैं एल्यूशियन द्वीप, आपके विकल्प दिए हैं कि रूस है या नॉर्वे है या डेनमार्क है या यूएसए, किसका स्वामित्व है, तो आपको ये पहचानना है। तो आपको बताना होगा कि ये जो एल्यूशियन द्वीप है इस पर जो अधिकार है वो किसका है, आप बताइए। उस पर आपका अधिकार है यूएसए का। उसके बाद आपका है बियर द्वीप, जिस पर अधिकार है आपका किसका, नॉर्वे का। उसके बाद है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड पे अधिकार है आपका डेनमार्क का। और फ्रेंच जोसेफ जो आपका द्वीप है उस पे आपका अधिकार है रूस का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका कौन सा, फिनलैंड। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक सूची में ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन दिए हैं तथा दूसरी सूची में उनके क्रियाकलाप दिए हैं। दिया हुआ है कयाक, कयाक क्या है। ऑप्शन दिए हैं, परिवहन हेतु तो नाव है, या कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी है, या शिकार हेतु तो सकरी नाव है, या बर्फ का मकान है। तो बताइए क्या है आपका। तो आपका जो है ये कयाक जो है वो क्या है, वो है शिकार हेतु तो सकरी नाव। ठीक है, सही है कि नहीं सही है, ये सही है। उसके बाद आपका है इन्यूट। तो इन्यूट क्या है आपका, ये है बर्फ का क्या है, मकान है। ओके, इन्यूट को बर्फ का मकान, इग्लू भी होता है आपका। और उसके बाद आपका दिया है यूनियाक। तो यूनियाक क्या है आपका, यूनियाक है आपका परिवहन हेतु नाव। और स्लेज क्या है, कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा टर्सियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। ऑप्शन दिए हैं, क्यूनलुन, अपलेशियन, आल्प्स, एंडीज। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका अपलेशियन। अगला प्रश्न है जो कथन और कारण वाला है। कथन दिया कि बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है,
ठीक है। और कारण दिया है यहाँ यहाँ विकास के स्तर में क्षेत्रीय विभिन्नता मिलती है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख लीजिए और सही उत्तर का आप चयन करके बताइए कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आप बताइए कि आपका कौन सा सही उत्तर है। तो आपका सही उत्तर है आपका कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ दर्रे दिए हुए तथा दूसरी तरफ किस राज्य में स्थित वो दिया हुआ है। तो शिपकिला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, सही है कि नहीं, सही सुमेलित है कि नहीं सुमेलित है, सही सुमेलित है। उसके बाद आपका है लिपुलेख जो कि अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है, ये आपका गलत है। तो लिपुलेख, नीति माना, ये सब जो है आपके कहाँ है, आपके उत्तराखंड में है। नाथुला आपका सिक्किम में सही है, जो जिला जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। अगला है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक सूची में द्वीप दिए हुए तथा दूसरी सूची में किस जगह पर ये द्वीप स्थित है वो दिया हुआ है। तो महादेशी द्वीप जो है वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो महादेशी जो द्वीप है वो आपका स्थित है, जिसे मालागासी कहते हैं, वो आपका मेडागास्कर। उसके बाद है आपका प्रवाल द्वीप। तो प्रवाल द्वीप कौन सा है आपका बताइए, प्रवाल द्वीप है आपका कौन सा, मालद्वीप। उसके बाद है ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है आपका, वो है मॉरिशस। और पर्वतीय द्वीप कौन सा है, वो आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। ओके, अगला जो प्रश्न है कि नीचे दिए गए आरेख पर विचार कीजिए। इस आरेख में नीचे दिए गए अक्षरांकित क्षेत्रों में से किस एक में मुख्यतः अपरदन द्वारा नदी पाट की आकृतियों में परिवर्तन होने की संभावना है। अब यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है, अब आप बताइए कि कौन सा आपका सही है। पूछा गया है कि नदी के किस भाग में मुख्यतः अपरदन द्वारा नदी पाट की आकृतियों में परिवर्तन होने की संभावना है। तो आप बताइए कि किस में हो सकता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो पाट की संभावना किस में है, वो आपकी किस में हो सकती है, सी में हो सकती है। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची से मिलाना है। एक तरफ सूची में मेघ दिए हुए हैं, क्लाउड्स दिए हैं, और दूसरे में उसकी विशेषता दी है, सिरस स्तरी, वर्षा मेघी और कपासी। तो आपको इसमें से मिलाना है, तो आप मिला दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपका जो सिरस है, सिरस जो क्लाउड है वो आपका है क्या, पिचमय या फेदरी आकृति का वाला, फीदर आकृति वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो स्तरी होता है, स्तरी जो है वो क्षैतिज फैलाव वाला होता है। उसके बाद जो वर्षा मेघ होते हैं, जो वर्षा मेघ होते हैं वो क्या है, वर्षा देने वाले होते हैं। और जो कपासी होते हैं उनमें क्या है, ऊर्ध्वाधर वृद्धि होती है। तो आपका सी नंबर उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न भारत भूगोल किससे संबंधित है, और है कि जननांकी संक्रमण की संकल्पना किसके लिए एक प्रतिरूप प्रदान करती है। ऑप्शन दिए हैं, जनसंख्या वृद्धि के बदलते हुए स्वरूप के प्रति सरकारी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना, दूसरा है इतिहास के पूरे दौर में विश्व जनसंख्या संचलन के प्रमुख स्वरूपों की व्याख्या करना, अगला है समय के साथ जनसंख्या के वितरण वृद्धि एवं संचलन में स्थानिक विचरणों का विश्लेषण करना, या आर्थिक विकास और प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन के मध्य संबंध की जांच करना। तो आपका सही उत्तर क्या है कि आर्थिक विकास एवं प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन के मध्य संबंध की जांच करना क्या है, जनसंख्या संक्रमण की संकल्पना के का एक प्रतिरूप प्रदान करता है। तो आपने देखा कि भारत के भूगोल से ढेर सारे प्रश्न आपको मिल गए हैं एक ही जगह पे। आप इनको रिवीजन करिए जिससे कि आपकी जो जीआईसी की परीक्षा आ रही है उसमें आपका जीएस का पार्ट कवर हो जाएगा, और उसके साथ साथ आगे जो आपका यूपीएचसी की परीक्षा आ रही है उसमें भी जीएस का पार्ट कवर हो जाएगा, और उसके साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ में आपका जीएस मतलब कि सब्जेक्ट का पार्ट कवर हो जाएगा। तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं उनमें जीएस का पार्ट भी आपका कवर हो जाएगा, इसीलिए भारत के भूगोल को आपको बताया गया है जो कि कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको आप सही से तैयारी कीजिए जिससे कि आगामी परीक्षाओं में आप सफल हो सकें। आगे हम लोग अब बात करते हैं विश्व के भूगोल से कुछ 300-400 प्रश्न देख लेते हैं जो कि सामान्यतः पूछे जाते हैं जीएस के रूप में भी और सब्जेक्ट के रूप में भी। तो आपका पहला है कि 30वें ओलंपिक खेलों को आयोजित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है। ऑप्शन दिए इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन, पुर्तगाल और इटली। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है इंग्लैंड। अभी जो ओलंपिक खेल हुए हैं आप बताइए कि कहाँ पर हुए हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ जो है मतलब कि जो ज्वाला पर्वत के प्रकार दिए हुए तथा
वो किस कहाँ पे स्थित वो दिया हुआ, तो आपका दिया हुआ है अपशिष्ट पर्वत या अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत किसका उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत कौन सा हो जाएगा बताइए। इसमें से ऑप्शन दिए मोनालोवा, नीलगिरी, ब्लैक फॉरेस्ट या हिमालय। तो वलित पर्वत में कौन आ जाएगा, हिमालय आ जाएगा, ये तो फिक्स है। खंड पर्वत ब्लॉक में कौन आ जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट आ जाएगा। ज्वालामुखी में कौन आ जाएगा, मोनालोवा आ जाएगा। और अपशिष्ट में कौन आ जाएगा, नीलगिरी आ जाएगा। तो आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको लगा दीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। अगला प्रश्न है कि काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है। ऑप्शन दिए हैं भारत नेपाल को, चीन नेपाल को, पाकिस्तान अफगानिस्तान को, पाकिस्तान चीन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताइए कि कौन सा आपका उत्तर सही होगा, काराकोरम राजमार्ग किसको जोड़ता है। तो आपका जो है क्या है वो आपको जोड़ता किससे है, ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न है ना, तो तीसरे का आपका पाकिस्तान चीन को। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर अर्जेंटीना की राजधानी है। ऑप्शन दिए हैं पोर्टो नोवो, ब्रुसेल्स, ब्यूनस आयर्स, ब्राजीलिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, ब्यूनस आयर्स है। अगला प्रश्न है कि पख्तूनिस्तान का क्षेत्र किस देश में स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इराक। तो पख्तूनिस्तान आपका जो है भाग है वो आपका है अफगानिस्तान का। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा निम्नलिखित में से किस लाइन से निर्धारित होती है। ऑप्शन दिए हैं 38वीं समानांतर, 17वीं समानांतर, 24वीं समानांतर या फिर आपका 49वीं समानांतर रेखा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 49वीं समानांतर। इसी तरह से 38वीं कहाँ पे है, किसको किसको विभाजित करती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। 17वीं और 24वीं किसको विभाजित करती है वो भी बताइएगा। इसके पहले की वीडियोज में आपको बताया जा चुका है, आप उनको सीक्वेंस से देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिए हैं नेपाल, भूटान, लद्दाख, न्यूजीलैंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है आपका भूटान। अगला प्रश्न है कि वारसा किस देश की राजधानी है। ऑप्शन दिए हैं फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड या हॉलैंड। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पोलैंड की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑप्शन दिए वियतनाम, फिजी, वेटिकन सिटी या उरुग्वे। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वेटिकन सिटी, जो कि लगभग में आधा स्क्वायर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। अगला प्रश्न है कि ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है। ऑप्शन दिए हैं चाय, कॉफी, तंबाकू, नारियल। तो ये सभी लोगों को प्रश्न मालूम है इसका, वो है आपका कॉफी। यहीं पे एक पोर्ट है जिसे सेंटोस कहते हैं, जो कि काफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं इटली, चिली, पेरू या कोलंबिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो आपका है कौन सा, पेरू। अगला प्रश्न है कि सराजेवो किसकी राजधानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं सर्बिया, ब्रासनिया और हर्जेगोनिया, क्रोएशिया या मॉन्टीनिग्रो। तो आप जो है सही उत्तर है आपका ब्रासनिया और हर्जेगोविना की। अगला जो प्रश्न है आपका कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दाओस किस देश में स्थित है। इसके पहले आपको हम बता चुके हैं, वो है आपका स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। ऑप्शन दिए हैं हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, क्यूरिशियो या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपकी जो है वो आपकी है क्यूरिशियो की धारा। अगला प्रश्न है कि ज्वल खंडाश्मी पायरोक्लास्टिक क्या होता है। ऑप्शन दिए तप्त शैल के टुकड़े और लावा, दूसरा है लावा स्तर, तीसरा है निरावेशी गैस और चौथा है भाप विस्फोट। तो आप बताइए कि कौन सा आपका सही है, वो है आपका तप्त गैस के टुकड़े और लावा। अगला प्रश्न है कि वन से होने वाले निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य सूखे को नियंत्रित करने में सबसे अधिक सहायता मिलती है। ऑप्शन दिए है वनों से मानसूनी वर्षा होती है, वन मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, आगे है वन जल संभर के रूप में काम करते हैं, वन पर्यावरण के तापमान को कम करते हैं। तो आपसे पूछा गया सूखे को नियंत्रण करने में सबसे अधिक किसकी सहायता मिलती है, किससे सहायता मिलती है, तो वो है आपका कि वन जल संभर के रूप में काम करते हैं उसकी वजह से। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है। ऑप्शन दिए भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो एलिफेंटा दर्रा आपका श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कैस्पियन सागर में कौन सी नदियां गिरती हैं या कौन सी नदी गिरती है। ऑप्शन दिए हैं दजला नदी, जार्डन, वोल्गा या डेन्यूब। तो आप कैस्पियन सागर में जो नदी गिरती है उसका नाम है वोल्गा। अगला प्रश्न है कि फिलीपींस
में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा? ऑप्शन दिए हुए हैं बैरन द्वीप समूह, दूसरा है आपका माउंट फ्यूजियामा, तीसरा है माउंट उज्जैन और अगला है आपका माउंट पिनाटुबू। तो आपका सही उत्तर है माउंट पिनाटुबू जो कि फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है कनाडा के मध्य छांसी घास को कहते हैं? ऑप्शन दिए पंपास, प्रेरीज, स्टेपीज, डाउन्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है प्रेरीज। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवने किस दिशा में बहती हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी या दक्षिणी पूर्वी। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है उत्तरी पूर्वी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ऑप्शन दिए ग्रेनाइट, सेल, डाइक या स्लेट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है स्लेट। अगला प्रश्न है कि नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक देश है, नगर है? ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा उत्तर सही है, वो आपका है फ्रांस का। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइग्रोमीटर के उपयोग की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन दिए तरल पदार्थों की, वायु की आर्द्रता मापने में, जल की शुद्धता मापने में, जल के नीचे जल जमाव का ताप मापने में या वायुमंडलीय ताप मापने में। तो आपका जो सही उत्तर है कि हाइग्रोमीटर किसकी में मदद करता है, वो है आपका जल की वायु में आर्द्रता मापने है, तो ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर? सभी लोगों को मालूम है कि प्रशांत महासागर है, ठीक। अब जो है हम लोग आगे देखते हैं, 25 प्रश्न हो गए हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मालूम भी है कि इसका उत्तर क्या है, तो आपको चीन है, लेकिन इसमें कोई आपका दिया नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि पिरेनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच में स्थित है? ऑप्शन दिए फ्रांस, स्पेन के बीच में, इंग्लैंड, आयरलैंड, इटली, फ्रांस या बुल्गारिया, यूनान। तो जो पिरेनीज पर्वत है वो आपका फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है, और पिनाइन पर्वत किसके बीच में स्थित है, वो आपको कहाँ पे स्थित है वो मुझे बताना है। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस ग्रह की खोज के लिए उन्नीस अक्टूबर 1989 को गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ऑप्शन दिए हुए हैं मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून या शनि। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है आपका बृहस्पति के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं बुध, मंगल, शनि या वरुण। तो आपका सही उत्तर है कौन सा, वो है आपका वरुण। अगला जो प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन, ऑप्शन दिए वर्ष भर एक समान रहती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, न्यून होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो है आपका अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश नहीं है? ऑप्शन दिए हैं यमन, ओमान, बहरीन, कतर। तो आप बताइए कौन सा उत्तर सही है, वो है आपका यमन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश नहीं है? ऑप्शन दिए हैं चाड, अंगोला, बोत्सवाना, निकारागुआ। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है निकारागुआ। अगला प्रश्न है कि बेरूत निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन दिए हुए हैं टोबैको, ट्रिनिडाड, लेबनान, लीबिया या मंगोलिया। तो जो बेरूत है वो आपकी राजधानी है, वो है आपकी लेबनान की। अगला प्रश्न है कि बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका सही उत्तर है गुजरात में। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खेल हेतु चर्चित शारजाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए सऊदी अरब में, संयुक्त अरब अमीरात में, दुबई में या ईरान में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होगा? ऑप्शन दिए 15 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट या कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 4 मिनट। इस हिसाब से 15 डिग्री अंतर होने पर 1 घंटे का अंतर होगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2019 के मध्य विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? ऑप्शन दिए 7.71 बिलियन, 7.26 बिलियन, 8.26 बिलियन, 9.26 बिलियन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 7.71 बिलियन। अगला प्रश्न है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया। तो आपका सही उत्तर है कंबोडिया। अगला प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है?
ऑप्शन दिए हैं 27 सही 1/3 दिन, 28 दिन, 29 सही 1/2 दिन या आपका 30 दिन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 27 सही 1/3 दिन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको वेनिशिंग ओशन या छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं अटलांटिक महासागर को या आर्कटिक महासागर को या फिर आपका जो है कौन सा है, तो क्या कहा जाता है कि छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है। तो अटलांटिक भी आपने देख लिया, आर्कटिक भी देख लिया, तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका आर्कटिक महासागर को। इसे क्या कहते हैं, छिपता हुआ महासागर कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि यूथ किस प्रजाति का घर है। ऑप्शन दिए हैं एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन या खिरगीज। तो यूथ जो है वो आपका खिरगीज का, ये टीजीटी पीजीटी दोनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूगोस्लाविया संघ की इकाई नहीं है। ऑप्शन दिए हैं सर्बिया, स्लोवेनिया, बोस्निया या एस्टोनिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एस्टोनिया। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्वेज नहर, कील नहर, सू नहर या मैनचेस्टर नहर। तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है आपका कील नहर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कोयला, मुग्देन, पेट्रोलियम, बाकू, तांबा, कटंगा, टिन, लेक सुपीरियर। तो आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका टिन लेक सुपीरियर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है रूम सागरी जलवायु या भूमध्य सागरी जलवायु जिसे कहते हैं कि क्षेत्रों में जाड़ों में किस कारण से वर्षा होती है। ऑप्शन दिए हैं संवहन धाराओं के कारण, जाड़ों में निम्न दाब के कारण, लौटते हुए मानसून के कारण, स्थानीय वायु व्यवस्था के कारण। तो आपका जो सही है वो है आपके जाड़ों में निम्न दबाव के कारण। अगला जो प्रश्न है कि क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन के मध्य है। ऑप्शन दिए हैं उत्तरी कोरिया, उत्तरी वियतनाम में, साइप्रस और टर्की के बीच में, चीन और जापान के बीच में, रूस और जापान के बीच में। तो ये आपका जो विवाद है वो रूस और जापान के बीच में है क्यूराइल द्वीपों को लेकर के। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में सूर्य एवं उल्का पट्टी के मध्य निम्न में से कौन से ग्रह स्थित हैं। ऑप्शन दिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। दूसरा है वीनस, पृथ्वी, मार्स, जुपिटर। तीसरा है मरकरी, वीनस, पृथ्वी, मार्स। चौथा है पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। तो आपको तो एक 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप बताइए कौन सा आपका सही होगा विकल्प। तो आपका जो सही है वो आपका है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, क्योंकि जो उल्का पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मोटे तौर पर वायुमंडल को 5 संस्तरों में विभाजित किया गया जो कि निम्नलिखित हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर। अब कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम दर्शाता है पृथ्वी की सतह से के ऊपर प्रकट करना है। तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा वो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिक्वेंस में लगाना है। तो आपका सबसे पहले कौन सा आएगा, आएगा ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद कौन सा आएगा आपका, वो आएगा स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके बाद आपका आएगा मीसोस्फीयर, उसके बाद आयनोस्फीयर और उसके बाद एक्जियोस्फीयर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे वह स्थान जहां सिर्फ भूकंप जन्म लेता है कहलाता है। ऑप्शन दिए हैं एपिसेंटर, जेनी सेंटर, सिस्मिक सेंटर या फोकस। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, वह है आपका फोकस जिसे भूकंप मूल कहते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका कि आकाश में सबसे चमकदार तारा है। ऑप्शन दिए हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या सिरस। तो आपका सही उत्तर है सिरस। अगला प्रश्न है चूना पत्थर की चट्टान जब कायांतरित हो जाती है तो कहला बनती है। ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या संगमरमर जिसे मार्बल कहते हैं। तो आपका सही उत्तर है संगमरमर। अगला प्रश्न है कि साफ आसमान की रात को किसी स्थान का अक्षांश निर्धारित किया जा सकता है उस कोण को माप कर जो ध्रुव तारा देखने वाले के साथ बनाता है, देखने वाला वीनस के साथ बनाता है, देखने वाला चंद्रमा के साथ बनाता है, देखने वाला मंगल और चंद्रमा दोनों के साथ बनाता है। तो ये आपका जो है होता है ध्रुव तारा को देखने वाले के साथ जो बनाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के भ्रमण की गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट या 31 किलोमीटर प्रति मिनट या 25 किलोमीटर प्रति मिनट या 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से मिलाना है, एक तरफ देश दिए हैं तथा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर उन देश का दिया हुआ है। तो अर्जेंटीना का जो सबसे ऊंचा पर्वत जो दिए गए विकल्प हैं चारों आप देख रहे होंगे नीचे सूची दो में,
उनमें कौन सा है वो आपको पहचानना है। तो इसका सबसे ऊंचा है एकांकगुआ, माउंट एकांकगुआ। उसके बाद आपका जो है इक्वेडोर है, तो इक्वेडोर पे सबसे ऊंचा कौन सा होगा आप बताइए। तो इक्वेडोर पे जो होगा वो है आपका चिम्बराजो। और उसके बाद है आपका तंजानिया, जो कि आपका स्थित है कौन सा, किलिमंजारो। और अमेरिका में है जो है वो आपका है माउंट मैकिनले। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो आपका एक सूची में दिए हुए हैं, मतलब कि जो आपकी अंतरिक्षीय घटनाएं हैं वो दी हुई हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। और सूची दो दी हुई है, उसमें आपको मिलाना है। तो 55 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, तो आपको मिलाइए कि आपका कौन सा सही होगा। तो जो इंद्रधनुष है रेनबो, वो आपका क्या करता है, वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन करता है। फिर उसके बाद मृग तृष्णा या मिरेज है, वो आपका अपवर्तनांक की विभिन्नता, वेरिएशंस ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को शो करता है। अगला है चंद्रमा के चारों ओर का चंद्रमा, हेलो अराउंड द मून, ये आपका प्रकाश का विवर्तन करता है, डिफ्रेक्शन करता है। और लेजर जो होता है वो क्या करता है, वो आपका क्या करता है, प्रकाश की केंद्रीयता से संबंधित है। ठीक है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, एक तरफ खनिज पदार्थ दिए हैं तथा उपलब्धता के स्थान दिए हैं दूसरी सूची में, तो आपको क्या करना है, मैच करना है। तो जो बॉक्साइट है वो कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। तो बॉक्साइट आपका कहाँ पाया जाएगा, वो आपका झारखंड के क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन प्योर बिहार दिया हुआ है। दूसरा है जो आयरन अयस्क है, लौह अयस्क है, वो कहाँ पाया जाएगा वो आपको बताना है। तो लौह अयस्क आपका कहाँ पाया जाएगा, उड़ीसा में सबसे ज्यादा है आपका, 52% लगभग में पाया जाता है। अगला है आपका जिप्सम, तो जिप्सम आपका कहाँ पाया जाएगा, वो आपका राजस्थान में हो जाएगा। उसके बाद है रॉक सॉल्ट, तो रॉक सॉल्ट आपका कहाँ मिलेगा, रॉक सॉल्ट आपका मिलेगा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो आपका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है प्राकृतिक क्षेत्र को और प्राकृतिक वनस्पति को, तो मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, उसमें कौन से प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उसको आपको बताना है कि कोणधारी पाए जाते हैं, छोटी घास या मोटी एवं चिकनी पत्ती के घास या लंबी घास या कांटेदार। तो आप बताइए कि कौन सा आपका सही है। तो मरुस्थली जो पाए जाते हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे, कांटेदार झाड़ियाँ सबसे पहले। ठीक है, फिर रूम सागरी जो होता है, जो कि भूमध्य सागरी कहा जाता है, वहाँ पर किस प्रकार के पाए जाते हैं, वो आपके पाए जाते हैं मोटी एवं चिकनी पत्ती के घास पाए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है स्टेपीज, स्टेपीज में कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं छोटी घासें। और टैगा में जो होता है वो कोणधारी वन या कोनिफरिस वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, चिली, चिली की राजधानी कौन सी है आपको बताना है, इसमें से एक तरफ देश है तथा दूसरी तरफ जो सूची दी हुई है उसमें आपकी राजधानियां दी हुई हैं। तो आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। तो चिली की हो गई आपका सैंटियागो, क्यूबा की आपकी हो गई हमाना, साइप्रस की हो गई निकोसिया और कोलंबिया की हो गई बोगोटा। तो आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंगूर, नारंगी, जैतून के उत्पादन करने वाला प्रसिद्ध क्षेत्र है, ऑप्शन दिए हैं पश्चिमी समुद्र तट, रूम सागरी, ट्रॉपिकल रेगिस्तान, ट्रॉपिकल मानसून। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है रूम सागरी। ओके, अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ऑप्शन दिए हैं मिशिगन, बैकाल, लेक सुपीरियर या विक्टोरिया। तो आपका सही उत्तर है लेक सुपीरियर। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं कि कच्चा तिवु द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच में है, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका या भारत म्यांमार। तो कच्चा तिवु द्वीप जो विवाद है वो है आपका भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला प्रश्न है कि खमेर रूज किस देश से संबंधित है, ऑप्शन दिए हुए चीन, म्यांमार, कंबोडिया या थाईलैंड। आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कंबोडिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त जर्मनी की राजधानी बन गया है, ऑप्शन दिए हैं बर्लिन, बोन, म्यूनिक या हैमबर्ग। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है बर्लिन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है, ऑप्शन दिए हुए हैं मरकरी, वीनस, नेपच्यून, मार्स, जुपिटर। तो आपका सही उत्तर है वीनस या जिसे शुक्र कहते हैं। अगला है बायोमा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन दिए हैं जायरे, लुआनवा, जैमवेजी या नील नदी पर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है जायरे नदी पर। अगला जो प्रश्न है आपका, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है, सभी लोगों को मालूम है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका स्थित है
इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है बैरन द्वीप कहाँ है, तो बैरन द्वीप कहाँ अंडमान निकोबार में है, जो कि भारत का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नहीं मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है कि सेंकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन देशों के बीच में है, ऑप्शन दिए न्यूजीलैंड इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड फिलीपींस, चीन जापान, ताइवान फिलीपींस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा, चीन और जापान के बीच में सेंकाकू द्वीप को लेकर के क्या है विवाद है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ऑप्शन दिए भारत, म्यांमार, चीन या जायरे। तो आपका सही उत्तर आपको मालूम ही होगा कौन सा है, आपका है जायरे। तो आपने 69 नंबर तक प्रश्न जो है देख लिए हैं। अब हम लोग 70 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, तो वो तो आपको मालूम है कि हिंदी इंग्लिश का अनुवाद दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि पूर्व सोवियत संघ के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया, ऑप्शन दिए हैं लेनिनग्राड, कीव, वोल्गोग्राड या मॉस्को। तो किसको सेंट पीटर्सबर्ग का जो है नाम रखा गया है बताइए, किसका रखा गया नाम। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लेनिनग्राड का। अगला प्रश्न है यूरोपीय समुदाय के सदस्य राष्ट्रों की ऐतिहासिक बैठक मास्ट्रिस्ट में हुई थी, यह स्थान किस देश में है, ऑप्शन दिए हुए हैं लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी या फ्रांस में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है नीदरलैंड में। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि नाइजीरिया की नई राजधानी का नाम क्या है, ऑप्शन दिए हैं इबादान, इलेशा, अबूजा या कानो। तो नाइजीरिया की जो राजधानी है वो आपकी अबूजा है। अगला प्रश्न है मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऑप्शन दिए हैं दोनों समानांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, अगला है दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, अगला है दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं। आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है उनके बारे में, तो वो है कि दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य की परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाता है, ऑप्शन दिए हैं कितना दिया हुआ है कि 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या आपका 33 डिग्री प्रतिदिन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 1 डिग्री प्रतिदिन। अगला है कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, तो काहिरा स्थित होगा 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 25 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या 33.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। हमने बताया कि 1 घंटा आगे मतलब कि 15 डिग्री का अंतर होता है, अगर पूर्व में है तो आपका ऐड होगा आगे होगा, अगर पश्चिम में है तो आपको घटाना होगा पीछे होगा। तो आपका जो क्षेत्र का सही उत्तर हो जाएगा वो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित है, ऑप्शन दिए हुए सुमात्रा, जमैका, सार्डिनिया या मेडागास्कर। तो आपका जो कैरिबियन सागर में स्थित है वो आपका है जमैका। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है, ऑप्शन दिए 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर या 12,800 किलोमीटर। तो जो व्यास है वो आपका कौन सा है, 12,800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर दूरी लगभग बराबर होती है, तो आपका सही उत्तर है कौन सा, वो है आपका 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि मॉरिशस की राजधानी है, ऑप्शन दिए हैं सुवा, माले, पोर्ट लुइस या पोर्ट ब्लेयर। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है पोर्ट लुइस। अगला है सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो रोम जो है किस नदी के किनारे है वो आपको बताना है, तो बताइए रोम किस नदी के किनारे है, वो है आपका टाइवर नदी के किनारे। फिर उसके बाद आपका जो मॉस्को है वो किस नदी के किनारे है, मॉस्को मस्कवा नदी के किनारे है, लंदन आपका टेम्स नदी के किनारे है और न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे है। अब आपसे पूछता हूँ कि जो वाशिंगटन डीसी है वो किस नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है कि घूर्णन एवं परिघूर्णन में लगभग समान समय लेने वाले आकाशीय पिंड कौन सा है, ऑप्शन दिए हैं शनि, यूरेनस, नेपच्यून या चंद्रमा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा, चंद्रमा है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सही उत्तर है पद्मा। अगला प्रश्न है कि महासागरों एवं सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो उन्हें कहते हैं आइसोहेलाइन कहते हैं, ठीक है। आइसोथर्म क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोहाइट क्या होता है, इसको आपको बताया जा चुका है, आप बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन दिए हैं न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, अफ्रीका के दक्षिणी तट पर, दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो आपकी स्थित है कहाँ पर स्थित है, वो आपकी है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अगला प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय उसका कौन सा भाग दिखाई देता है,
ऑप्शन दिए हैं कोई नहीं, किरीट मतलब कोरोना, प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर या वर्ण मंडल क्रोमोस्फेयर। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा किरीट या कोरोना। अगला प्रश्न है कि वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस समुद्र में गिरती है। ऑप्शन दिए काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या आर्कटिक सागर। तो आपका सही उत्तर है कैस्पियन सागर में वोल्गा गिरती है। अगला जो प्रश्न है आपका कि बुडापेस्ट निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्पेन, बुल्गारिया, हंगरी या पोलैंड। तो आपका सही उत्तर है वो है हंगरी की। अगला प्रश्न है अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या है। ऑप्शन दिए हैं एबिसिनिया, टेंगानिका, गोल्ड कोस्ट या कांगो। तो घाना का जो पुराना नाम है वो आपका है गोल्ड कोस्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक से नहीं मिलती है। ऑप्शन दिए तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल। तो इराक से जिसकी सीमा नहीं मिलती है वो आपका है इजराइल। अगला प्रश्न है वियतनाम निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। ऑप्शन दिए हैं वियतनाम की, लाओस की, उत्तरी कोरिया की या कंबोडिया की मतलब कंबोडिया की। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है लाओस की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देश और उसकी राजधानी का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। नॉर्वे की ओस्लो आपका सही, ऑस्ट्रिया की वियना ये भी सही है, स्वीडन की बर्न नहीं है, स्वीडन की स्टॉकहोम है और बर्न जो है आपकी स्विट्जरलैंड की राजधानी। तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है और डेनमार्क कोपेनहेगन सही है। अगला प्रश्न है कि आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो आपका सही उत्तर है वो आपका है नील नदी पर। अगला जो प्रश्न है हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्मान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं इराक, जॉर्डन, मिस्र या कुवैत। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो आपका है जॉर्डन की। अगला प्रश्न है कि गोलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, पदार्थ का भार ध्रुवों पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, पदार्थ का भार ध्रुवों तथा विषुवत रेखा पर समान होता है। अगला है कि ध्रुवों पर पदार्थ का भार अपना भार खो देता है। तो आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है आपका। तो सही उत्तर है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आकृति सर्वोच्चतम ढंग से स्पष्ट की जा सकती है। ऑप्शन दिए चतुष्फलक, नारंगी, विषुवत रेखा से या लध्वज गोलाब के रूप में। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है लध्वज गोलाब के रूप में, जिसे ज्वाइड कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृहद वृत्त है। ऑप्शन दिए आर्कटिक वृत्त, मकर रेखा, कर्क रेखा या विषुवत रेखा। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है कि 21 जून के दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ऑप्शन दिए 0 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे। तो 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश दिखाई देता है वो आपका है 24 घंटे। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री या मोतर से अंतर करती है, जिससे कि वह एक प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह का विभाजन न करे, प्रशांत महासागर को दो बराबर भागों में विभाजित कर सके, बेरिंग जल भूमध्य को विभाजित न करे, एक ही प्रशासन के अंतर्गत भूभागों को विभाजित करे। तो आप बताइए कि किस वजह से मुड़ी हुई है। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कि एक प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम लोग आगे विश्व के भूगोल के अगले वीडियो में प्रश्न की बात करेंगे, है कि प्लूटोनिक चट्टाने वे हैं जो ठंडी हो गई हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं साधारण गहराई पर विशाल क्रिस्टल सहित द्रुत गति से, अधिक गहराई पर विशाल क्रिस्टल सहित मंद गति से, निम्न गहराई पर लघु क्रिस्टल सहित मंद गति से या साधारण गहराई पर लघु क्रिस्टल सहित मंद गति से। तो आपको सही उत्तर है कि अधिक गहराई पर विशाल क्रिस्टल सहित मंद गति से प्लूटोनिक चट्टाने हैं जो कि पाई जाती हैं। तो उम्मीद है ये जो 100 प्रश्न आपके आप बताए गए हैं कि जो कि आपके विश्व के भूगोल से संबंधित हैं, और इसके पहले जो 30 प्रश्न हैं वो आपके संबंधित थे किससे, वो थे आपके भारत के भूगोल से। तो कुल लगभग मैं 110 से 130 प्रश्न के बीच में हम लोगों ने इस वीडियो में बात की, उनको देख लेते हैं और उसके बाद जो आपका वीडियो होगा उसमें भारत विश्व के भूगोल से और भी प्रश्न देख लेंगे। तो ये आप बनाने का उद्देश्य यही है कि आपके जो जीएस का पार्ट है वो भी कंप्लीट होता रहे। धन्यवाद।